चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। आज आप सब लोगों ने इकट्ठा होकर के उन तमाम आतताइयों को एक पैगाम दिया है कि बाबा साहब अम्बेडकर के वारिस अब डरने वाले नहीं हैं और ताकत से आपके सामने खड़े होंगे। इस देश में बाबाओं को सुरक्षा मिल सकती है तो एक राष्ट्रीय अध्यक्ष लेवल का जो हमारा प्रतिनिधि करने वाला व्यक्ति है उसको क्यों नहीं सुरक्षा मिलनी चाहिए? अगर गोली मारने का दम है तो बराबरी पाके गोली मारे। पूरे देश का युवा चंद्रशेखर भाई के साथ। चंद्रशेखर आज आपका संघर्ष जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पिछले दिनों जब राजा वीर भोज गुर्जर सम्राट वीर भोज जी की बात आई तो गुर्जर समाज के लोगों के साथ भाई चंद्रशेखर कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे। कंधे से कंधा। अगर बाबा साहब अम्बेडकर जी ना होते तो देश में लोकतंत्र और लोकतंत्र तो दिल्ली में कहाँ कहाँ से आज लोग जुड़ रहे हैं, कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं? पूरी इंडिया से आ रहे हैं, पूरे भारत से लोग यहाँ चंद्रशेखर भाई के सम्मान में लोग यहाँ आ रहे हैं और पूरे तन मन धन से हर प्रकार से लोग यहाँ आ रहे हैं। ना यहाँ कोई किसी ने पैसे देकर कोई व्यक्ति बुलाया गया है, सब अपने आप से। कोई आपने देखा होगा कभी लोग पैदल चल रहे हैं, कोई साइकिल से आया है, अलग अलग जिसके पास जो संसाधन था वो उसी से अपने घर से चल दिया है। जैसा कि आपको मालूम है और पूरे भारत को मालूम है कि 28 तारीख को हमारे राष्ट्राध्यक्ष भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी पर जो हमला हुआ था उसी के उपलक्ष में आज पूरे भारत से लोग यहां पर एकजुट हुए हैं। देखिए, भाई चंद्रशेखर भाई को सुरक्षा जरूर मिलनी चाहिए। जब यहाँ इस देश में बाबाओं को सुरक्षा मिल सकती है तो एक राष्ट्रीय अध्यक्ष लेवल का जो हमारा प्रतिनिधि करने वाला व्यक्ति है उसको क्यों नहीं सुरक्षा मिलनी चाहिए? आंदोलन दिल्ली तक तो आ गया, अगर पूरे देश में घुमाएंगे आंदोलन को, दिल्ली तक तो आ गया है और जरूरत पड़ी तो पूरे देश में घुमाएंगे आंदोलन, हटेंगे नहीं। पूरे देश का युवा चंद्रशेखर भाई के साथ। और जिन्होंने भी ये काम किया है उनको हम जरा बता दें कि चंद्रशेखर भाई ने पहले भी कहा था भी भीम आर्मी का झंडा और डंडा दोनों मजबूत है, एक बार सामने आके पाला खींच के देख ले, उनको पता लग जाएगा। हमारा सिर्फ यही संदेश है सरकार से कि बड़े भाई को जेड प्लस सुरक्षा दी जाए, बस ये आंदोलन इसी है। अगर ना हुआ तो ये आंदोलन पूरे देश में रहेगा। तो आप कैसे देख रहे हैं कि मुस्लिम समाज जो है आने वाले, मुस्लिम समाज जो है सारे इनके साथ है, चंद्रशेखर भाई के साथ, सारे शेरकोट में मिर्जापुर सारा हमारा जितना एरिया चंद्रशेखर भाई के साथ है, माल से जान से हर चीज से तैयार है। कुछ दिन पहले हमारे भाई चंद्रशेखर आजाद पर कुछ मनुवादियों ने हमला करने की कोशिश की, उनको लगा कि ये हौसला तोड़ देंगे, उनको लगा कि डरा देंगे, उनको लगा कि बिखेर देंगे, मगर आज जंतर मंतर पर भीम आर्मी के स्थापना दिवस पर
आज आप सब लोगों ने इकट्ठा होकर के उन तमाम आतताइयों को एक पैगाम दिया है कि बाबा साहब अंबेडकर के वारिस अब डरने वाले नहीं है और ताकत से आपके सामने खड़े होंगे। भीम आर्मी एक क्रांति का नाम है और मैं बधाई देता हूं देश भर के भीम आर्मी के सभी साथियों को। आज मैं एक वाक्य बोलकर जा रहा हूं क्योंकि और बहुत सारे लोग बोलने वाले हैं। हम बिरसा फूले अंबेडकर पेरियार के वारिस, इस मुल्क में जो भी हाथ से श्रम करता है वो भारत में सबसे ऊपर किसी धर्म को नहीं मानता, किसी धर्म का किताब को नहीं मानता, वो सबसे ऊपर मानता है तो भारत के संविधान को मानता है। जहां भी कोई अत्याचार होता है वहां भीम आर्मी कार्यकर्ता जाते हैं और अपनी बात को SHO साहब या SSP साहब या CO साहब उनकी आंख में आग डालने का काम करते हैं और उन्हें अपनी ताकत को बता रहे हैं कि हम इस देश के मूल निवासी बहुजन समाज के लोग अब आप किसी से पीछे नहीं हटेंगे और नहीं हट सकते। जो हमारे समाज में कोई भी आदमी आवाज उठाने के लिए तैयार होता है उस पर इसी तरीके से आक्रमण करते हैं, हमला करते हैं, गोलियों से करते हैं। अब बात क्या है कि अब एक के गोली लगी थी, अगर गोली मारने वाला है तो सामने आए 10 लाख लोग आ जाएंगे या 20 लाख, कितने पर गोली चलेगी। हम बैठे हैं, एक गोली मारी, हम 10 गोली सहने के लिए यहाँ तैयार हैं। अगर गोली मारने का दम है तो बराबरी पाके गोली मारे। चंद्रशेखर भैया तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भैया तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। चंद्रशेखर भैया तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं।